Akron Students Academy Vani, most renowned pre-primary CBSE school of Vani, जहां आप पाओगे उत्कृष्ट और सुंदर स्कूल बिल्डिंग, best playing area, digital classrooms, kids games corner, best teachers and supporting staff, bus facility, RO water facility, best academic, sports, cultural and personality development activities for holistic development. In Macro Students Academy, we prepare your child to face the challenges of this rapidly changing competitive world. Make your children a part of Macron Students Academy Vani and let them shine like a star. Admission open from nursery to 4th standard. Gangshettivar Mangal Karayalay, Shivaji Chowk, Vani, District Yavatmal. Contact 9823797806 or 8421822118. Chandrapur ke Rayatwari Kalri mein पले बड़े श्रीनिवास गोमासे आज चंद्रपुर का नाम राजनीतिक क्षेत्र में तेलंगाना में रोशन कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता देखते हुए जहां कई राजनेता और लोग भाजपा के टिकट चाहते हैं और वो टिकट मिलना बड़ी बात समझते हैं, वहीं श्रीनिवास गोमासे ने तेलंगाना के पोदापल्ली क्षेत्र में पिछले 10-15 सालों से ऐसा काम किया कि खुद बीजेपी ने उन्हें टिकट ऑफर की और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बनकर पोदापल्ली लोकसभा क्षेत्र से लड़ा। इतना ही नहीं, श्रीनिवास गोमासे को अपने कार्यों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने मोदी जी को कहा कि वो 2,00,000 वोटों से चुने जाएंगे, तो तुरंत मोदी जी ने उन्हें मीटिंग का टाइम दिया। जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली कार्यालय में उनका इंतजार हो रहा था और अब जबकि चुनाव हो चुके हैं तो उनको विश्वास था कि वो 3,00,000 वोटों से जीतने वाले हैं, जबकि उनके क्षेत्र में एक भी भारतीय जनता पार्टी का ना नगर सेवक है, ना विधायक है और ना ही सांसद। ये सारी बातें खुद उन्होंने उस वक्त अपने मुख से बयां की जब चंद्रपुर में कल सर्व मित्र परिवार की तरफ से उनके इस उपलब्धि के लिए उनका सम्मान सत्कार होटल मयूर में किया गया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रकाश अंबेडकर से चर्चा किया, रामदास आठवले से चर्चा किया, जोगेंद्र कावड़े से चर्चा किया और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बोला मैंने। मल्लिकार्जुन खड़गे को चला, मल्लिकार्जुन का खड़गे का लेवल का नेता जो है तात्याराव कामले, तात्याराव से भी चर्चा किया, परमेश्वर से चर्चा किया। इंडिया में जितने भी अंबेडकर राइट्स है जो बाबा साहब को लेकर चलने वाला, सभी लोगों से चर्चा किया। सभी लोग बोले गोमासे साहब आपको पार्लियामेंट में जाना जरूरी है, तो अपने को कोई भी डोर से अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद तो संविधान ही काम करेगा, वहां कोई विचारधारा नहीं चलेगा। पार्लियामेंटरी व्यवस्था के अंदर में सिर्फ संविधान ही काम करेगा ना सिस्टम, वहां जाना जरूरी है करके मैंने भारतीय जनता पार्टी, मैंने नहीं गया, भारतीय जनता पार्टी मेरे पास आई। मैं आपको बता रहा हूं अंबेडकर बाबा साहब का वारसदार जैसा बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को डायरेक्ट फोन किया, डायरेक्ट फोन करके डायरेक्ट फोन किया। फिर मैं जब दिल्ली गया, दिल्ली में मेरे लिए वेट कर रहा था मोदी जी, मोदी मेरे लिए, मैं किसी का अपॉइंटमेंट नहीं मांगा और मैं गया, मेरे से जैसा गया था ऐसा मेरे को, मेरे साथ में बहुत रिस्पेक्ट के साथ, और बाबा साहब का लोग सबसे ज्यादा झुकता है, सिर्फ मान सम्मान को झुकता है और वहां पे मेरा बहुत रिस्पेक्ट हुआ और रिस्पेक्ट करके बोल दिया, वो पार्टी ने बोल दिया मैं आपको टिकट दे रहा हूं पूरी तरफ से, वहां पे जबकि एक भी आमदार नहीं है, 7 MLA कांग्रेस का है, 7 MLA कांग्रेस का, एक मिनिस्टर है, एक विप है, एक भी जिला परिषद मेंबर बीजेपी का नहीं है, एक भी जिला परिषद म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन बीजेपी का नहीं है, एक भी लीडर नहीं है। मैंने बोल दिया मैं यहां से चुन के आता, वो भी 2,00,000 में जाकर चुन के आता। ये बात मैं मोदी की बता दिया, मोदी ने तुरंत बोले मैं आपको मीटिंग दे रहा हूं। वो मेरे पास आके मैं 50,000 लोगों को इकट्ठा किया विद इन 33 घंटे में। कितना पढ़े से मेरे भाई गोमासा श्रीनिवास, मेरे कहने मतलब ऐसा है
बाबा साहब का बच्चे कहीं भी जाने से कहीं झुकना नहीं। आप लोगों का साथ में मैं कहना चाहूं, इस प्रधानमंत्री ने मेरे बारे में क्या बोला है, मैंने जाके नहीं झुका। ये भी एमएलए ने, ये बीजेपी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है, युवा मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये मेरे कांस्टेंट से कहा, इनका पिताजी एक दफे एमएलए रह चुका है। 40 लोग टिकट के लिए कोशिश कर रहा था, 40 लोग, मैं बीजेपी में नहीं था, मैं कांग्रेस में था। चांदा पब्लिक स्कूल, अ परफेक्ट सेंटर फॉर वैल्यू ड्रिवन होलिस्टिक एजुकेशन, established in 2006, a premier global educational institute which develops the human resource for our dynamic and expanding community. Welcome to our abode of knowledge, where education goes beyond textbooks, an institution which provides best possible platform to every student to be the best version of themselves. We are a unique school, not because we all are here, but it gives us every possible platform to showcase the best of our talent. Yoga is a holistic exercise that strengthens and stretches the body. Creativity is the language we use to communicate the urgency of our lives for a better future. And what better than giving wings to the creativity in wonderful ambience like our art and craft room? Parenting assistance and counseling, bus facility, prepare students for competitive examination and committed to excellence in education. Best CBSE school in Chandrapur, admissions open for 2024 to 2025 session, Chanda Public School, Ramnagar, Tatara Road, Chandrapur. For admissions, contact 935-939-5352.